नमस्कार, आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बिजनौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, युवक का अपहरण कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, ऋषिकेश उत्तराखंड कस्बा भट्टोवाला निवासी भुवनेश कुमार 8वीं का छात्र था और अचानक अपने घर से गायब हो गया था। कुछ समय बाद भोला नामक युवक द्वारा अपहरण, युवक के पिता गोपाल कृष्ण से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और 13 लाख रुपए में बात हुई। गोपाल कृष्ण ने थाना ऋषिकेश पर भोला के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई गई। भोला, जो ऋषिकेश में टाइल्स लगाने का कार्य करता है, भोला के मोबाइल लोकेशन के आधार पर स्थानीय पुलिस द्वारा अपहरण की सूचना जनपद बिजनौर को भी दी गई। सूचना पर क्षेत्राधिकारी धामपुर SOG टीम प्रभारी निरीक्षक धामपुर पुलिस फोर्स द्वारा चेकिंग के दौरान फायर स्टेशन के पास रोडवेज बस में अभियुक्त राजन उर्फ भोला कुमार गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह सरैया वृद्धि टोला पूर्वी चंपारण बिहार का निवासी है। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि अपहरण किए गए युवक भुवनेश को सकुशल बरामद कर लिया गया है और ऋषिकेश पुलिस को सूचित किया गया है और अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। इसी केस में आज भुवनेश नाम के एक लड़के का, जो जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, कुछ लोगों ने अपहरण किया था। उसके पिता एम्स में सुपरवाइजर हैं, गोपाल कृष्ण उप्रेती। अपहरण करके जब लोग वहां से फरार हुए, वहां की स्वाट सर्विलांस टीम ने बिजनौर की टीम से संपर्क किया, वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है, लोकेशन ट्रेस किया जा रहा था, धामपुर पुलिस को निर्देशित किया गया। वहां के SHO स्वास्थ्य और CO साहब ने घेराबंदी करके 4-व्हीलर गाड़ी से, बस से एक अभियुक्त को, मैं लड़के को, भुवनेश को बरामद किया है। पूछताछ की जा रही है। यह ज्ञात हुआ है कि जो पकड़ा गया लड़का है, यह बिहार का रहने वाला है। छत रूप से इसे बहला फुसला करके ले जा रहा था। इसी दौरान इसके साथियों ने 15 लाख रुपए की मांग किया था। संपूर्ण घटनाक्रम का पूछताछ के बाद अन्य विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।